हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टुडेज आवर बुलेट पॉइंट इज टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स। शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के रूप में शिक्षण, तो इसमें मुख्य भूमिका होता है शिक्षण का, जिसको शिक्षक निभाते हैं छात्रों को सशक्त बनाने में। मीटिंग स्टूडेंट्स वेयर दे आर इज की टू देयर सोशल इमोशनल एंड एकेडमिक सक्सेस। छात्रों को वहाँ मिलना है जहाँ छात्र अपना सामाजिक, भावनात्मक एवं एकेडमिक सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं। ए पीस ऑफ पजल इज टू अलाउ देम बी एम्पावर्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। तो कुछ ऐसे पहेली हैं, जो पहेली का कुछ टुकड़ा है, जिसके द्वारा सीखने का प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाता है। वी वॉन्ट टू इंश्योर दैट वी आर टीचिंग द होल चाइल्ड एंड प्रोवाइडिंग ईच स्टूडेंट ए लर्निंग एक्सपीरियंस दैट मीट्स हिज पर्सनल नीड्स। हम चाहते हैं क्या, सभी छात्रों को सुनिश्चित ये कर लेते हैं कि सभी छात्रों को हम एक तरीके से सिखाएं और प्रत्येक छात्र उसका एक्सपीरियंस, अनुभव प्रदान करें। उसके बाद जो छात्र अपना व्यक्तिगत जरूरत को उसके द्वारा छात्र पर्सनली अपना व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करते हैं। हु नोज द चाइल्ड बेटर देन हरसेल्फ। शिक्षक को छोड़ के और कौन जान सकते हैं छात्र को। स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, देयर ओन ओपिनियंस, द थिंग्स दैट दे फील कॉन्फिडेंट विथ एंड द थिंग्स दैट चैलेंज देम एज वेल एज ड्रीम दे हैव। स्टूडेंट्स हमेशा सतर्क रहते हैं, उनका पसंद नापसंद, उनका ओपिनियन और जो चीज़ वो लोग पसंद करते हैं उसको, उसी में कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो जो आत्मविश्वास है उसको महसूस करते हैं और हमेशा चुनौती देने वाली चीज़ को ही वो अपनाते रहते हैं। Sometimes we need to step back, let go and empower our student to take charge of their own learning. कभी कभी हम लोग वापस कदम करते हैं कि अभी छात्रों को अपने आप में सीखने का मौका देना चाहिए। The following five stages will prove be powerful when we utilize with NES. कोई भी किसी भी उम्र हो उसके साथ उपयोग किया जाता है। ये पांच रणनीतियां हैं, जो पांच स्ट्रेटेजीज हैं, जिसके द्वारा छात्रों को सशक्त बनाया जाता है। तो पहला है चॉइस क्या है, विकल्प है, क्या वो खोजेंगे, क्या चाहिए उनको। Do you allow student to choose the goal they work on each day? क्या छात्र को प्रत्येक दिन काम करने वाले लक्ष्य को चुनौती की अनुमति देते हैं? जैसे वो लोग स्टडी करते हैं, जैसे कार्य करते हैं, दिन भर कार्य में उनका चुनौती रहता है। Do they choose their materials? क्या अपना वो वस्तु अपने खोजते हैं? What about their resource? उनका संसाधन के बारे में क्या कहते हैं? आर स्टूडेंट अलाउड टू चूज द पाथ दे टेक टू रीच देयर एकेडमिक गोल? अपना एकेडमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता वो लोग अपनाते हैं उसमें चुनौतियां हैं? फॉर इंस्टेंस इन ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एनवायरमेंट, जब देखेंगे डू दे चूज वेयर दे सीट टू एक्सपीरियंस लर्निंग और वेयर दे वर्किंग विद हिम। जब वो हम सोचते हैं
उन लोग के पास जब परियोजना आधारित सीखने का माहौल रहता है, तब वो सोचते हैं कि क्या वो अनुभव करने के लिए बैठते हैं या जो साथ में काम करने के लिए बैठते हैं उसमें सब चुनौतियां हैं। ऑल ऑफ दिस फैक्टर कैन बी क्रूशियल टू स्टूडेंट्स लर्निंग। ये सब जो कारक हैं, एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट है, ये सब जो कारक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक देम टाइम टू एस्टेब्लिश रूटीन एंड मॉडल एक्सपेक्टेशन। उनका दिनचर्या एवं मॉडल अपेक्षाएं जो हैं उसको स्थापित करने के लिए उस समय ले सकते हैं। फिर वापस कदम इसीलिए लिया जाता है कि छात्रों को अपने विकल्प बनाने के लिए अवसर दिया जाए। बट व्हेन द स्टेप बैक द ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू मेक चॉइस। जब वो पद घुचा करते हैं, पीछे चले जाते हैं, उनको पदक्षेप लेने के लिए, विकल्प चयन करने के लिए मौका दिया जाता है। देखेंगे रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे होता है? आर स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव इन देयर लर्निंग मूवमेंट टू मूवमेंट और पैसिव। क्या छात्र अपने अधिगम में या सीखने के जो हर क्षण है उसमें चिंतनशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं या इनएक्टिव रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं? इज टाइम सेट एसाइड फॉर रिफ्लेक्टिव पर्पजेस और पुश्ड टू द वे साइड व्हेन टाइम रन्स आउट। क्या जो समय वो लेते हैं चिंतनशील के प्रयोजन करने के लिए अलग से सेट, वो समय को अलग से सेट करते हैं या वही समय उनको कम पड़ जाता है? क्या प्रतिबिंब दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है? इज रिफ्लेक्शन इज ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। ये जो प्रतिबिंब है, हम लोग क्या कर रहे हैं डेली या नहीं, इसको देखना चाहिए या नहीं? स्टूडेंट मोस्ट एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस एंड रिफ्लेक्ट देयर ओन पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन। छात्र क्या रहते हैं? हमेशा सक्रिय रहते हैं सीखने के लिए, मन लगाए रहते हैं, संलग्न होना चाहिए भी और अपना व्यक्तिगत योगदान एवं ज्ञान और जो प्रतिबिंब है उसके साथ कनेक्शन किए रहना जरूरी है। दे नीड नॉट टू बी अलाउड टाइम टू प्रोसेस देयर लर्निंग एज ए स्टेप रिटेंशन। उनको आवश्यक है अपना सीखना को प्रतिधारण के कदम के रूप में संसाधित करने के लिए समय को अनुमति देना आवश्यक है। रिफ्लेक्शन अलाउ फॉर क्लोजर टू सिचुएशन कन्वर्सेशन लेसन्स एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू मेक सेंस ऑफ देयर लर्निंग। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब एक स्थिति है, सिचुएशन है, कन्वर्सेशन बातचीत है, एक लेसन है, सबक है, जिसको बंद करने के लिए अनुमति देता है, छात्रों को सशक्त बनाने के लिए, उनको सीखने की भावना बनाने के लिए प्रतिबिंब महत्वपूर्ण होता है।